हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन माय चैनल वंस गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जो है कैना लिली, उसके बारे में जानने वाले हैं कि इसकी केयर किस तरह से की जाए ताकि ये हमें बहुत अच्छी अमाउंट में हैवी फ्लावरिंग दे पूरे साल भर। तो ये फ्रेंड्स, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये बेहद खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट समर का फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि इसमें जो है वो बहुत सारे कलर ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे सेट्स और बहुत प्रिटी प्रिटी जो है वो प्लेन, जैसे आप प्लेन रेड देख पा रहे हैं, डार्क रेड बहुत प्यारा कलर लगता है ये मुझे, प्योर येलो आते हैं, ऑरेंज भी आते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ सेट्स इसमें अवेलेबल होते हैं। आप जो चाहे वो बहुत ही ईजली लगा सकते हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट भी होता है। प्लांट काफ़ी हार्डी होता है, इसे आपको ज़्यादा केयर नहीं करनी होती और खूब सारी फ्लावरिंग आपके गार्डन में ये फैलाता रहता है अपनी ब्यूटी को। तो इस फ्लावर को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। इसका जो है कॉस्ट की बात कर लें तो कॉस्ट इसका 60 रुपीज़ से ऊपर नहीं जाता, पर आई सजेस्ट कि बहुत ही कॉमन फ्लावर प्लांट है और इसके 4-5 सेट्स तो हमारे इंडिया में काफ़ी ईजिली अवेलेबल होते हैं गार्डन में, रोड साइड में, तो आप इसको कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो है फ्रेंड्स सीड्स भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और इसकी जो है फ्रेंड्स आप ट्यूबर्स भी ग्रो कर सकते हैं, राइजोम्स होते हैं ऐसे, तो इसमें राइजोम्स होते हैं इसके जड़ों में, लंबी सी जड़ें होती हैं उसमें, छोटे छोटे से जो स्प्राउट के होते हैं वो ग्रो होते हैं, तो उसे हम राइजोम्स बोलते हैं, पर ट्यूबर्स से भी बहुत फेमस है तो आप उसको भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है ये प्लांट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि हम इसे अब लेके आते हैं तो हमें किस तरह की सॉइल मिक्सचर में इसे हमें लगाना होगा और क्या ऐसी सॉइल की कंपोजिशन होगी जो हमें अपने प्लांट को प्रोवाइड करनी होगी ताकि ये अच्छे से गार्डन में ब्लूम करे, वो भी ढेर सारे अमाउंट में। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो हमेशा मैं अपनी पोटिंग मिक्सचर बनाती हूँ वही बनाना होता है। इसके लिए 50 आप एक हिस्सा जो है वो गोबर की खाद लें, एक हिस्सा जो है आप मिट्टी लें और एक हिस्सा जो है वो आप सैंड लें और तीनों को थॉरली मिक्स करके जो आपके मिक्सचर प्रिपेयर होगा उससे अपने पोट को फिल करके 2 इंच नीचे ट्यूबर्स को अगर ग्रो करते हैं तो कीजिए 2-3 इंच नीचे, और अगर आप सीड से ग्रो करते हैं तो आप कोकोपीट में कंपोस्ट मिला के जो है वो सीड्स को ग्रो करें, वो बहुत जल्दी स्प्राउट हो जाएगा और जब प्लांट्स आपके 3-4 इंच के हो जाएंगे तो आप उसे अपने पोट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बस कुछ बातों का ही ध्यान देना होता है, जैसे फ्रेंड्स इसे वाटर बहुत ही पसंद होता है तो वाटर के लिए जो हमने सॉइल मिक्सचर बनाया है वो तो बहुत ही अच्छा है, वाटर हमारे प्लांट को बहुत अच्छे से सप्लाई करता रहेगा, उसमें मॉइस्चर को वो होल्ड भी नहीं करता है और मॉइस्चर को वो होल्ड भी करता है, मीन्स कि वो ज़्यादा प्लांट में वाटर को सॉगी नहीं बनाता सॉइल को और उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहती है। तो इस तरह का ही सॉइल मिक्सचर मैं अपने सारे प्लांट को दिया करती हूँ और आपको भी सजेस्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह के सॉइल मिक्सचर में आप लगाएंगे, देखिए कितना प्यारा और ब्यूटीफुल जो है ये फ्लावर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत होते हैं ये, कलियाँ इसमें भी हैं, फ्लावर्स भी आ रहे हैं, ये सारी जो कलियाँ अगर खिलती जाएं फ्रेंड्स तो एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो फ्लावर्स स्पेंड हो रहे हैं, जैसे कि अभी खिला हुआ है ये, अगर ये स्पेंड हो जाएगा तो देखिए बहुत सारी कलियाँ ऊपर खिलना बची हैं, तो इस फ्लावर को मैं कट कर दूँगी कि वो फ्लावर जो है वो कलियाँ इसकी जो है वो खुलें, ये सारी कलियाँ खिलती जाएंगी और हम कट करते जाएंगे और लास्ट में फाइनली फ्रेंड्स हम इसके नीचे से इसके स्टेम को ही कट कर देंगे, तो क्योंकि एक बार जो खिल जाता है ना वो दोबारा नहीं खिलता, उसमें से अब फ्लावर्स नहीं आएंगे, तो आप जितने भी कलियों को देख लें और उसके बाद से फाइनली स्टेम को पकड़ के नीचे से आप कट कर सकते हैं कि ताकि जो अगल बगल से जितने भी राइजोम्स हैं वो अच्छे से स्प्राउट करें और बहुत अच्छे से वो खिलें। तो बस इस बात का हमें ध्यान देना होता है, कलियाँ इसकी इस तरह से लंबी लंबी आती हैं और फ्लावर्स को अगर हम नहीं हटाते हैं फ्रेंड्स तो फ्लावर्स में जो है वो सीड्स बनने लगते हैं। मैं अभी आपको सीड्स भी दिखाती हूँ कि किस तरह से वो सीड्स बनने लगते हैं। तो इस तरह से हमें करनी होती है। सनलाइट की बात कर ले फ्रेंड्स तो सनलाइट इसको आपको पूरा सनलाइट देना होगा, सनलाइट में थोड़ी सी भी आपको कटौती नहीं करनी है, ये जहाँ पे है वहाँ पे इसको 5 घंटे की जो है वो प्रॉपर सनलाइट लगती है, इस वजह से ये 5 से 6 घंटे की सनलाइट अगर प्रोवाइड करें तो ये अभी जो है वो दिसंबर मंथ में भी बहुत अच्छा फ्लावर कर रहा है मेरे गार्डन में और ये समर में भी बहुत हैवी फ्लावरिंग वाली फ्लावरिंग इसमें होती है, पोट में भी लगाएं, वैसे तो ये ज़मीन पर लगा हुआ है, बहुत सारे जो है ये छोटे छोटे से
केस में जो है वो बेबी प्लांट्स होते हैं, आप ये बेबी प्लांट्स भी अगर आपको मिल जाते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, अगर आप मिल जाते हैं तो आप इन्हें भी ग्रो कर सकते हैं। तो बेबी प्लांट से भी ग्रो करना काफ़ी ईजी होता है, सॉइल से आप थोड़ी सी अच्छे से इसको निकालेंगे प्लांट को और फिर जाके ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो सनलाइट का भी आप खास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि सनलाइट ऐसे गार्डन में आपकी साइड पे हो कि खूब सारी जो है उसको वहाँ पे सनलाइट मिले, तभी ये जाके अच्छे से ब्लूम कर पाएगा। तो यहाँ पे मेरे जहाँ पे मेरे लगा हुआ है ये प्लांट, वहाँ पे तो खूब सारी सनलाइट आती है, इस वजह से ये खूब ढेर सारी बडिंग कर पाता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें सीड्स फॉर्मेशन कैसे होते हैं। मैंने कुछ फ्लावर्स को नहीं तोड़ा था आपको दिखाने के लिए ही। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर्स मैंने नहीं प्लग किए थे अपने प्लांट से, और बस टू शो यू। तो ये यहाँ पे इस तरह से जो है वो ये इस तरह से जो है वो प्लांट फॉर्म करता है सीड, आप देख पा रहे हैं। ये जो है इसने सूख जाएगा तो इसमें से ब्लैक कलर की जो है वो सीड्स बन के आएगी। अगर जब ये सीड्स फॉर्म होगा फ्रेंड्स, तो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूंगी, जिसमें जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो भी इसमें बीज होते हैं मैं आपको उसमें दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।